विसर्जन करते हुए 4 लोग डूबे। ग्रामीणों के द्वारा 3 लोगों को गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया और बेटमा के शासकीय अस्पताल में रेफर किया गया। वही 28 वर्षीय युवक विनोद मिश्रा अभी भी नहीं मिल पा रहा है। हम आपको बता दें कि इंदौर जिले से सटा हुआ धार जिले का पीतमपुर क्षेत्र लगा हुआ है। यहाँ 4 व्यक्ति पीतमपुर के ही थे जो धार जिला प्रशासन को चकमा देकर घाटा बिल्लोद की चंबल नदी में गणेश विसर्जन करने आए थे। एक व्यक्ति डूब रहा था जिसको बचाने के लिए 3 व्यक्ति और कूदे। तेज बहाव होने के कारण वह भी डूबने लगे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से निकाला गया और बेटमा के शासकीय अस्पताल में रेफर करवाया। एक व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि रफीक पायलट के द्वारा तुरंत बेटमा थाना पर सूचना दी गई। मौके पर बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा पहुंचे और आला अधिकारियों को सूचित किया और NDRF की टीम को बुलवाया, जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। एक व्यक्ति अभी भी नहीं मिल पा रहा है। मौके पर देपालपुर SDM प्रतुल सिन्हा, SDM संजय चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार नीरज प्रजापत मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इसी चंबल नदी में गणेश विसर्जन को लेकर कई हादसे हो चुके हैं। प्रशासन के द्वारा सभी विसर्जन कार्यक्रम पर रोक लगी हुई है। पे तो तुरंत में आया यहाँ पे, उस टाइम पे 3 लोग बाहर निकल आए थे, तो एक लड़का अंदर ही था। उसके बाद में फिर साहब को फ़ोन लगाया, सांवले साहब को, और उसके बाद में फिर जैसे पुलिस वाले भी आए, उस पार से पुलिस वाले भी आ गए थे सब, और उनको 3 को तो बेटमा हॉस्पिटल पहुँचा दिए थे। उसके बाद में अब उसको ढूंढने के लिए कर रहे हैं प्रयास। अभी गोताखोर भी आएंगे और TI साहब वगैरह सब, तहसीलदार साहब सभी आ गए थे और अभी यहीं पर हैं। डोरामा से आए हुए थे और गणेश जी का विसर्जन करने, तो यहाँ पर बस गणेश जी की पूजा वूजा कर ली, तो वो लड़का पानी लेने लगा हाथ से ऐसे सिर पे डालने के लिए, तो उसने बस पैर रखा और पैर उसका फिसल गया नीचे। आप कितने लोग थे? हम 7 लोग थे। डूबे कितने लोग सर? एक ही डूबा है, बाकी 4 लोग तो रिकवर, उन्हें निकाल लिया गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। आप यहाँ पर किस विषय में लेकर आए थे? कैसे यहाँ पर काय बस आए थे? कार से आए थे हम। नहीं, क्या लेकर आए? भाई के लिए आए थे, गणेश जी का विसर्जन करने। गणेश जी का विसर्जन करने का जी। फिर अचानक वो डूबा तो उसका बचाने का प्रयास करा? हाँ सर, वो डूबा तो उसके लिए जो 4 लोग और कूदे हुए थे तो उन लोगों ने प्रयास किया, बट वो फाउंड नहीं कर पाया हमें उसको। आपका नाम? राहुल कुमार पटेल। ओम लॉजिस्टिक कंपनी है, उसके कर्मचारी 2 4 व्हीलर से यहाँ पे आए और अपने गणेश विसर्जन के लिए उन्होंने यहाँ पे पानी निकालने की कोशिश की, तो उनका एक साथी रिपटे पे बह गया। उसको बचाने के लिए इनके 3 तैरने वाले लोग और कूदे, लेकिन वो वापस निकल लिए। कुछ लोगों की मदद से आ गए हैं वापस, लेकिन जो एक विनोद मिश्रा करके जो था कंपनी का IT हेड, वो इसमें डूब गया है, इस तलाश की जा रही है इसकी। देपालपुर से दीपक सिंह की रिपोर्ट।